प्रथम पोषक स्तर से द्वितीय पोषक स्तर तक जीव भार कितना प्रतिशत घटा है पिरामिड के लिए अलग अलग ज्ञात करें, ठीक है। तो अगर हम क्या कर रहे हैं, पिरामिड देखते हैं, तो यहाँ पर जब आप देखेंगे तो ये क्या हो रहा है, जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो वो क्या होगा आपका 10%, मतलब आप देख सकेंगे कि क्या हो रहा है, जब हम पहले से दूसरे स्तर तृतीय चतुर्थ जा रहे हैं तो वहाँ पर क्या हो रहा है, 10-10% क्या हो रहा है, घटते जा रहा है, ठीक है। और अगर हम यहाँ पर भी देखेंगे तो क्या होगा आपका, देखिए 1000 है, 110 है, 1 है, तो ये भी कितना प्रतिशत घट रहा है आपका, 10% ही घट रहा है। जब हम यहाँ पर भी निकालेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, प्रतिशत में पूछा गया है, इसको इससे डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा, इसको वैसे सेम करेंगे तो 11 आ जाएगा, इसको करेंगे तो 5, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि मोस्टली हमने दो पिरामिड देखे, दो पिरामिड में 10% क्या हो रहे थे आपके, बढ़ रहे थे, इसमें क्या है, उतने आपके नहीं जा रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि आपका जो पहला स्तर रहता है, जब वो दूसरे स्तर के जब उपभोक्ता रहते हैं उनमें क्या होता है, जो ऊर्जा और भोजन है वो जो ऊर्जा है वो क्या होता है, घटते जाता है, ठीक है। फिर है पोषक स्तर के द्वारा ऊर्जा का प्रवाह, है ना, ये हमारा क्या है, अब टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक है पोषक स्तर के द्वारा ऊर्जा का प्रवाह की कैसे एनर्जी फ्लो थ्रू ट्रॉपिक लेवल्स की एक लेवल स्तर से दूसरे लेवल पे जो ऊर्जा प्रवाह होता है वो किस प्रकार से होता है, कितना ऊर्जा दूसरे स्तर को मिलता है, ठीक है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं, तो यहाँ पर आपका क्या है, एक चित्र दिया हुआ है, ठीक, तो आप कैसे उसको निकालेंगे, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है, कितना दिया है, जो भी आपका टोटल है उसको सेकंड में जितना था, यहाँ पर कितना था हमारे पास 1500, ठीक है, इसमें कितना था आपके पास, ठीक है, 150 और 15, ठीक है, 150 और 15, इसमें कितना था आपका 150 था और इसमें कितना है 15, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको निकालने के लिए क्या दिया हुआ है, ये वाले में कितना था 15, तो यहाँ पर जितना टोटल है पहले स्तर को उसको द्वितीय स्तर से क्या कर दिया, भाग कर दिया गया है और 100 को उससे क्या कर दिया गया है, मल्टीप्लाई कर दिया है, फिर उसमें आप करोगे सॉल्व करोगे, ठीक है, तो कितना निकल रहा है आपका, सॉरी तो यहाँ पर जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना मिलेगा हमको, ठीक है, ये वाला कट हो गया, अब यहाँ पर देखिए भैया यहाँ पर काटना तो कहाँ पर, यहीं पर, हाँ ठीक है, कैलकुलेशन जहाँ पर कर रही हूँ, मैं पेन चेंज कर रही हूँ, ठीक है। तो चलिए हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं, तो हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है, ये इससे कट जाएगा, इससे, ये इससे, ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ जा रहा है, 10% आ जा रहा है, तो वैसे ही अब हमारे पास कितना है, 1500 है, उसको हम क्या करेंगे, तृतीय में कितना है 150 और कितना है इतना, ये अगर हम इसको भी सॉल्व कर रहे हैं तो हमारे पास कितना बचेगा, ठीक है, इसको इसको कट कर देते हैं, ये एक, ये कितना हो जाएगा 10, तो फिर से क्या हो रहा है, 10% हो जा रहा है, ठीक है। अगर हम इसको कर रहे हैं तो कितना हमारे पास 15 और ये क्या है 150 प्रतिशत में निकालना है, ठीक है, इसको भी हम सॉल्व करेंगे तो कितना निकलेगा 10%। तो आप देख सकते हैं जितने भी क्या हो रहे हैं, हम दूसरे स्तर पे जाते जा रहे हैं तो कितना ऊर्जा जाते जा रहा है, सिर्फ अगर 100% है तो उसमें से क्या हो रहा है, सिर्फ 10% ही आपका क्या हो रहा है, एक से दूसरे स्तर पे जा रहा है ना, जैसे कि आपको पता है हमको क्या मिलता है, खाना कहाँ से मिलता है, पौधों से मिलता है,
पौधे कैसे बनाते हैं अपना खाना, सूर्य संश्लेषण करते हैं, सिर्फ उसमें भी क्या करते हैं, सिर्फ एक जो प्रतिशत रहता है उसका यूज़ करते हैं और क्या बनाते हैं, रासायनिक पदार्थ बनाते हैं और वही पदार्थ को हम खाते हैं। ठीक है, तो जो पदार्थ को हम खा रहे हैं, रासायनिक पदार्थ को जो पेड़ पौधे बना रहे हैं, वो भी हमको कितना प्रतिशत मिलता है, 10%। मतलब कि हमारे पास अगर वो 1% पेड़ पौधे बना रहे हैं तो 0.1% हमारे पास आ रहा है ना। और यही क्या रहता है, प्रथम उपभोक्ता पे जाता है। ठीक है, फिर वहीं पर क्या हो रहा है, कुछ ऊर्जा उन लोग क्या करते हैं, खाने में लगाते हैं, कुछ काम करने में लगाते हैं, है ना। और एक ही प्रतिशत क्या हो रहा है आपका, सॉरी 10% क्या रहता है उसका जीव भार रहता है, क्या रहता है, जीव भार रहता है। और यही जो जीव भार है वो दूसरे स्तर के लिए क्या करता है, ट्रांसफ़र होता है, जाता है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि आप देख सकते हैं कि एक से दूसरे स्तर में जो ऊर्जा है वो कितना प्रतिशत जाता है, सिर्फ 10% ही वो क्या हो रहा है आपका, एक से दूसरे स्तर में जा रहा है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर क्या है आपका, कुछ आपका क्या कर रहे हैं, पौधे अगर बना रहे हैं तो पौधे भी क्या होते हैं, उनको भी तो एनर्जी चाहिए, वो भी तो अपना भोजन खाते हैं, तो सिर्फ 1% ही क्या हो रहा है वो रासायनिक पदार्थ में चेंज कर रहे हैं और उसका 10% हम लोग खाते हैं। और हम लोग जो खा रहे हैं, ठीक है, 10% हमको मिला, उसमें भी हम क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, चल रहे हैं, ठीक है, उसमें भी हम क्या कर रहे हैं, अपना बहुत सारा ऊर्जा खर्च कर दे रहे हैं। तो दूसरे स्तर के लिए हमेशा कितना प्रतिशत बच जाता है, 10% ही बचता है। ऊर्जा परिवर्तन की दक्षता अलग अलग पारिस्थितिक तंत्रों में अलग होती है। ठीक है, अगर हम लोग क्या कर रहे हैं, पारिस्थितिक तंत्र अलग अलग हैं, तो उसका क्या रहेगा, जो आपका दक्षता है वो भी क्या रहेगी, अलग अलग रहेगी। और 2 से लेकर 24% तक के आंकड़े शोधकर्ताओं ने प्राप्त किए हैं। जैसे कि हमने क्या मोस्टली किया था, 10% ही किया था, तो बहुत सारे शोधकर्ताओं ने देखा था कि अब क्या अलग अलग परिस्थिति तंत्र है, तो उसमें क्या रहता है, 2 से 24% तक के एक स्तर से दूसरे स्तर तक जा सकते हैं। ठीक है, लगभग सभी पारिस्थितिक तंत्र के लिए ऊर्जा का पिरामिड सीधा होगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा ऊर्जा उत्पादकों के स्तर पे ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जितने भी हम क्या वो देखते हैं पिरामिड देख रहे हैं, तो हमेशा वो सीधा ही रहेगा आपका, उल्टा नहीं रहेगा, क्योंकि जो उत्पादक रहते हैं, है ना, जो क्या रहेंगे आपके उत्पादक रहते हैं, वो मोस्टली किस में रहते हैं, प्रथम आपका क्या रहता है, पोषक स्तर में रहते हैं, और उसी से ऊर्जा लेके क्या हो रहा है, वो दूसरे स्तर में जाता है। इससे एक और बात स्पष्ट होती है कि पारिस्थितिक तंत्र कितना ही विविध क्यों ना हो, उनमें कुछ बुनियादी समानताएं हैं। तो ठीक है, तो यहाँ पर चाहे हम जंगल का देख लें, चाहे हम क्या देख लें, वाटर का देख लें, फॉरेस्ट का देख ले, तो उसमें कुछ ना कुछ क्या होता है, समानताएं हमको देखने को मिल जाते हैं। ऊर्जा का प्रवाह ऐसी समानता को दर्शाता है, और ये जो ऊर्जा का प्रवाह है ना, जो क्या हो रहा है, एक स्तर से दूसरे स्तर पे जा रहा है, वही समानता को दिखाता है कि चाहे आपका कितना भी अलग अलग पारिस्थितिक तंत्र क्यों ना हो, उसमें कुछ ना कुछ समानता है। और उसका बेस्ट एग्जाम्पल क्या है आपका, ऊर्जा का प्रवाह है। ठीक है, आई होप कि आपको ये इतना क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, सामान्यतः किसी खाद्य श्रृंखला में कितने पोषक स्तर होते हैं, ऐसा क्यों होता होगा। ठीक है, तो मोस्टली हमको बोला गया था, जब हम पढ़ भी रहे थे तो उसमें हमको देखा गया था कि मोस्टली कितने होते हैं, 4 स्तर होते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और चतुर्थ, है ना। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि क्या हो रहा है आपका, 10% ऊर्जा ही क्या हो रहा है, एक स्तर से दूसरे स्तर पर जा रहा है, तो मोस्टली कितने स्तर बन जाते हैं आपका, चतुर्थ पोषक स्तर ही बनते हैं। क्रियाकलाप एक में आपने अवलोकन के आधार पर आपने जो खाद्य श्रृंखला बनाई थी उसमें कितने पोषक स्तर थे, उसमें भी हमने क्या लिया था, ठीक है, हमने उसमें लिया था ग्रास, फिर उसको कौन खा रहा था, ग्रास हॉपर, ठीक है, उसको कौन खा रहा था आपका, फ्रॉग, फिर उसको कौन खा रहा था, स्नैक, और फिर उसको कौन खा रहा था, आउल या फिर हॉक। ठीक है, तो हमने जब किया था तो कितने हमने देखे थे, 5, है ना, कितने, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा, तो कितने थे, 5वां थे। ठीक है, तो धान के खेत की खाद्य श्रृंखला में अधिकतम कितने पोषक स्तर हैं, तो हमारा कितना गया था, 5 गया था, तो हम कितने लिख सकते हैं, 5। ठीक है, अधिकतम कितना गया था, 5। तो यदि धान के खेत में उत्पादकों के स्तर के प्रति हेक्टर पर 5000 किलो कैलोरी ऊर्जा है, तो 5 किलो कैलोरी ऊर्जा तक खाद्य श्रृंखला में अधिकतम कितने स्तर होंगे, गणना कीजिए एवं पिरामिड बनाकर दर्शाइए। ध्यान रखिए कि हर स्तर पर 10% ऊर्जा ही है। क्या आपके द्वारा बनाई गई खाद्य श्रृंखला में
भी इतने ही स्तर हैं, ठीक है। तो हमको क्या करना है, यहाँ पर बोला गया है एक पिरामिड है, ठीक है, उसमें क्या है, सबसे नीचे में कितना है, यहाँ पास कितना हेक्टर लिया हुआ है, प्रति हेक्टर में 5000 किलो कैलोरी है धान की, ठीक है। तो यहाँ पास कितना है आपका, 5000 है, तो हमको क्या करना है आपका, 50 यहाँ पास दिया हुआ है, 5 किलो कैलोरी ऊर्जा तक खाद्य श्रृंखला में अधिकतम हमको देना है, 5000 से कितना, 5, है ना, शीर्ष में कितना होना चाहिए, 5 होना चाहिए। और ये भी ध्यान में रखना है कि प्रत्येक कितना ऊर्जा दूसरे स्तर पे जा रहा है, 10% जा रहा है, तो आपको हमको क्या करना है, ऐसा बनाना है। तो अगर हम ऐसा बनाते हैं जिसमें 10% ही क्या हो रहा है आपका जा रहा है, तो ये कितना चले जाएगा, 5000 है, फिर कितना जाएगा, 500, फिर कितना चले जाएगा, 50, फिर कितना, ठीक है, फिर लास्ट में कितना आ जाएगा आपका, ये 5, ठीक है, ये वाला हो गया 5000, ठीक है। उसको अगर हम क्या करें, सिर्फ 10% तक के ही हमको करना है, इसलिए हमारा नेक्स्ट जो आपका ट्रॉपिक लेवल रहेगा वो 500 रहेगा, फिर ये क्या रहेगा, 50, और फिर लास्ट में क्या, 5। तो देखिए आप देख सकते हैं कि 5 ही है। अगर आप इसको क्या करेंगे, देखिए 500 को 5000 से करेंगे, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, 10%। तो देखिए यहाँ पास क्या हो रहा है आपका, ऊर्जा 10% हो रहा है। फिर यहाँ पास आप देखिए 50 को क्या करना है आपको, 500 से डिवाइड करना है, ठीक है, ये हो जाएगा, ये फिर से 10%, ठीक है। तो ये 10% हुआ, अब फिर क्या हुआ आपका, 5 और 50 हो गया, तो यहाँ पास भी 5 50, ठीक है, ये वाला कट गया, यहाँ पास कितना हो गया, 50 5, ये भी क्या हो गया, 10। तो यहाँ भी देखिए आप 10%, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रत्येक स्तर में कितना ही आपका ऊर्जा जा रहा है, 10% ही जा रहा है। इसमें बोला था 5000 आपका नीचे में रहेगा, 5000 है, और कहाँ तक जाना चाहिए आपका, 5 किलो कैलोरी तक जाना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या है, ऊर्जा है, तो ये किस में आ जाएगा, किलो कैलोरी में आ रहा है। क्लियर इतना, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, तो कितना, अच्छा इसमें स्तर भी पूछा गया है, तो कितना स्तर है, देखिए 1 2 3 4, तो अधिकतम आप देखेंगे तो कोई सा भी पिरामिड देखेंगे तो उसमें सिर्फ 4/4 स्तर तक ही जाता है। हालांकि हमारा जो हमने खेत में दिया था वो क्या था आपका, 5 स्तर तक के गया था, ठीक है। कोई भी खाद्य श्रृंखला ऊर्जा के प्रवाह का एक मार्ग दर्शाती है, ठीक है। तो खाद्य श्रृंखला क्या कर रहा है आपका, सिर्फ क्या बता रहा है, ऊर्जा को दर्शाती है कि कहाँ पर प्रवाह हो रहा है। खाद्य जाल ऊर्जा के प्रवाह के कई मार्गों को दर्शाता है, ठीक है। खाद्य श्रृंखला एवं ऊर्जा के पिरामिड से स्पष्ट होता है कि ऊर्जा का प्रवाह एक ही दिशा में होता है, ठीक है। तो यहाँ जो खाद्य जाल है ऊर्जा के प्रवाह के कई मार्ग को भी बता सकता है ना। खाद्य श्रृंखला है तो वो सिर्फ क्या हो रहा है आपका, सिर्फ एक ही दिशा को दर्शाता है, लेकिन जब हम खाद्य जाल की बात करते हैं तो वो क्या हो रहा है आपका, बहुत सारे दिशा को दर्शा सकता है ना। तो यहाँ पर पिरामिड से स्पष्ट होता है, जब हम पिरामिड की बात करते हैं तो उसमें स्पष्ट होता है कि वो क्या होता है, जो ऊर्जा हो रहा है वो क्या होता है, एक ही दिशा में प्रवाह होता है। अर्थात प्रथम स्तर को ही देखें तो पौधे द्वारा उपयोग में लाई गई ऊर्जा पुनः सौर ऊर्जा में परिवर्तित नहीं होती है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये क्या कर रहा है आपका, यहाँ पर क्या रहते हैं, पौधे रहते हैं, है ना, क्योंकि वो पहले उत्पादक रहते हैं, तो वो सौर ऊर्जा से अपना खाना बनाते हैं। खाना बना के क्या कर रहे हैं, जो ऊर्जा है उसको दूसरे स्तर तक पहुँचाते हैं, लेकिन वो क्या वापस सूर्य पे जाता है, नहीं जाता है, है ना। पोषक स्तरों में ऊर्जा के प्रवाह को दर्शाने के लिए चित्र 11 की मदद ली जा सकती है, ठीक है। मतलब कि ऊर्जा के प्रवाह को समझाने के लिए एक चित्र है जिसकी हम मदद ले सकते हैं कि ऊर्जा कैसे प्रवाह होता है, कौन से दिशा में प्रवाह होता है, और कितना ऊर्जा एक से दूसरे स्तर में जाता है, वो हम देख सकते हैं किसकी मदद से, चित्र 11 से, है ना। चलिए तो देखते हैं यहाँ पर, है ना, जैसे कि यहाँ पर है उत्पादक यानी पौधे हैं, तो प्राथमिक उपभोक्ता का क्या है आपका, देखिए कितना पहले 500 किलो जूल था, फिर कितना दे रहा है, 75 किलो जूल एनर्जी उसको दे रहा है। फिर द्वितीय उपभोक्ता कितना है, 7.5 की जी है। फिर उसके बाद तृतीय उपभोक्ता कितना है, 0.75, ठीक है। फिर अपघटक है ना, जो क्या बोलते हैं सड़े गले, क्या बोलते हैं, जो यौगिक कंपाउंड रहते हैं उसको क्या करते हैं, तोड़ते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं तो उत्पादक क्या कर रहा है आपका, 500 किलो कैलोरी है, उसमें से कितना कर रहा है आपका, 45
किलो कैलोरी क्या कर रहा है, खर्च कर दे रहा है। किसमें खर्च कर दे रहा है? आपका जैविक प्रक्रियाएं में, अपना काम करने में, श्वास ले रहा है उसमें, ठीक है। बहुत सारे जो अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालने में वो क्या कर रहा है, इतने सारे क्या कर रहा है, आपका जो ऊर्जा है उसको खत्म कर दे रहा है। प्राथमिक उपभोक्ता भी क्या कर रहा है, 425 किलो क्या बोलते हैं जूल को क्या कर रहा है, ऐसे ही अपने जैविक प्रक्रिया में। द्वितीय भी 67.5, ये 6.75 और 0.75 किलो कैलोरी क्या कर रहा है, आपका खर्च कर रहा है। मतलब कि क्या हो रहा है, कुछ वो क्या हो रहा है, ट्रांसफ़र हो रहा है एक से दूसरे स्तर पर ऊर्जा, लेकिन कुछ ऊर्जा क्या हो रहा है, अपने ही दैविक जीवन में वो खर्च कर दे रहे हैं, ठीक। तो इसमें भी क्या है आपका, क्या हर पोषक स्तर पर ऊर्जा का हास्य होता है? तो हाँ, तो इसका जवाब क्या होगा, हाँ, क्योंकि आप देख सकते हैं कि हर एक स्तर पर क्या कर रहा है, वो कुछ ना कुछ क्या कर रहा है, अपने ऊर्जा को खत्म कर रहा है। तो उसका उत्तर क्या हो जाएगा, हाँ, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमने हमेशा क्या देखा था, उपभोक्ता है ना, उत्पादक से ही क्या देखा था, आपके पिरामिड को बढ़ते देखा था। लेकिन जहाँ पर जैसे अपघटक हमने पढ़े थे, वहाँ से भी क्या होता है, आपका क्या बोलते हैं खाद्य जाल बन सकता है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, है ना, जस ये मर रहा है ना, बर्ड क्या हो गई है, मर गई है। तो उसको क्या करते हैं, डिकम्पोजर अपघटक क्या करते हैं, खाते हैं। फिर उसको कौन खाते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता कीड़ा खाते हैं। फिर कीड़ा को कौन खाता है, द्वितीय उपभोक्ता, ये सारे खाते हैं। तो यहाँ पर बोला गया है, ज़रूरी नहीं है कि आपका जो क्या बोलते हैं पौधों से ही आपका खाद्य जाल स्टार्ट हो, आपका क्या होता है, जहाँ से ख़त्म हो रहा है वहाँ से भी आपका खाद्य जाल स्टार्ट हो सकता है। जैसे समुद्र के तल पर जहाँ सूर्य की रोशनी नहीं पहुँच पाती, वहाँ जीवाणु से शुरू होने वाला एक खाद्य जाल ऐसा भी है, जहाँ ऊर्जा का स्रोत सूर्य नहीं बल्कि समुद्र के तल का रासायनिक पदार्थ युक्त अत्यधिक गर्म पानी है। तो यहाँ पर बोल रहा है कि अगर हम समुद्र की बात करते तो समुद्र में उतनी रोशनी नहीं पहुँच पाती, तो रोशनी नहीं पहुँचेगी तो पौधे कैसे अपना खाना बनाएंगे। तो वहाँ पर क्या होते हैं, आपके जो जीवाणु हैं वहाँ से वो आपका क्या होता है स्टार्ट होता है, जो कि मोस्टली उसको ऊर्जा कहाँ से मिलता है, आपके समुद्र तल में क्या रहता है, गर्म रहता है। तो गर्म गर्म क्या रहता है आपका, पानी से वो क्या करते हैं ऊर्जा लेते हैं, और वहीं से फिर क्या करते हैं अपना खाद्य जाल को बनाते हैं। यह गर्म पानी समुद्र के तल के ज्वालामुखियों के निकास से होकर निकलते रहता है। तो ये गर्म पानी क्या होता है, समुद्र में बहुत सारे क्या रहते हैं, ज्वालामुखी होते हैं, वहाँ से क्या होता है आपका निकलता है, ठीक है, जिससे उनको ऊर्जा मिलती है, जिससे पानी का तापमान लगभग 400 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जो आप देख सकते हैं कि ज्वालामुखी रहता है वो बहुत ही ज़्यादा क्या रहता है, गर्म रहता है। तो गर्म रहने की वजह से क्या हो रहा है, वो बहुत जो पानी है उसको गर्म कर देता है, और वही गर्म पानी को क्या करते हैं, ये जो आपका जीवाणु है वो क्या करते हैं, उपयोग में लाते हैं और अपना अपना जीवन चारी चलाते हैं, ठीक है, खाद्य जाल बनाते हैं। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। पर्यावरण के अजैविक घटकों एवं जीवों के अपशिष्ट पदार्थ एवं अवशेष में पाए जाने वाले पोषक तत्वों के चक्रीकरण का पोषक चक्रों के रूप में अध्ययन किया जाता है, ठीक है। तो हमने क्या किया था, सबसे पहले तो हम देख लिए थे कि जीव कैसे क्या बोलते हैं जैविक घटकों पर क्या रहते हैं, निर्भर रहते हैं, जिसमें हमने क्या क्या पढ़ा है, खाद्य जाल, खाद्य श्रृंखला, और क्या पढ़ा है आपका इकोलॉजिकल पिरामिड, है ना, पारिस्थितिक तंत्र पढ़ा है। अब हम क्या पढ़ेंगे आपका जीव कैसे अपने अजैविक घटक पर निर्भर रहते हैं, जिसको हम क्या करेंगे, न्यूट्रिएंट साइकिल से समझेंगे। तो यहाँ पर क्या बोला गया है कि हमको पता है कि हमारे उसमें क्या रहते हैं, बहुत सारे तत्व हमको देखने को मिल जाते हैं, जो कि क्या रहता है, कोई द्रव रहता है, कोई क्या रहता है ठोस रहता है, और क्या रहेगा, कुछ गैस रहेगा, है ना। ये सारे क्या रहते हैं हमारे बॉडी को बनाने में, जीवाश्म बनाने के लिए भी, जीवधारियों को बनाने के लिए भी क्या होते हैं, उपयोग में आते हैं, ठीक है। तो उसी के बारे में हम क्या करेंगे, यहाँ पर चर्चा करेंगे। जैसे कि आपका क्या होता है कार्बन साइकिल, वो भी क्या हो रहा है आपका, कैसे जो कार्बन है, कार्बन क्या है आपका एक तत्व है, वो कैसे क्या रहता है पर्यावरण में घूमता रहता है, उसको हम यहाँ पर देखेंगे। और यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, पर्यावरण के अजैविक घटकों एवं जीवों के अपशिष्ट पदार्थ एवं अवशेष में पाए जाने वाले पोषक तत्वों के चक्रीकरण का पोषक चक्रों के रूप में अध्ययन किया जाता है। और किसके रूप में किया जाता है, चक्रीकरण, है ना, मतलब कि साइकिल के रूप में क्या होता है पढ़ा जाता है, उसी को हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले हम पढ़ेंगे पोषक चक्र पदार्थों का प्रवाह, न्यूट्रिएंट साइकिल, फ्लो ऑफ सब्सटेंस, कैसे आपका चक्र होता है, घूमता है। किसी जीव के शरीर में
इन्हीं तत्वों की रासायनिक क्रियाओं द्वारा विभिन्न प्रकार के पदार्थ जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा आदि का निर्माण होता है ना। जैसे हमने देखा था तत्व बहुत सारे होते हैं, उसी से जीवधारी बनते हैं। और क्या बोलते हैं, किसी जीव के शरीर में यही तत्व जो रहते हैं रासायनिक क्रिया द्वारा विभिन्न प्रकार के पदार्थ बनाते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, वसा हो गया, ये सारे क्या हैं आपके रासायनिक क्रियाओं से बनते हैं। इनका चक्रीकरण कार्बन चक्र, नाइट्रोजन चक्र आदि के रूप में होता है। और वो कैसे रहेगा आपका कार्बन चक्र और नाइट्रोजन चक्र, जिसमें हम अभी यहाँ पर सिर्फ क्या पढ़ेंगे, कार्बन चक्र के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं कि कार्बन चक्र कैसे होता है। लेकिन उससे पहले क्या है, कुछ प्रश्न है जिसको हमको अपने ही दिमाग से उत्तर देना है, ठीक है, सोचना है। बेसिकली पृथ्वी पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस कहाँ कहाँ पाई जाती है? तो पृथ्वी पे आपको मोस्टली कार्बन डाइऑक्साइड गैस कहाँ कहाँ पर देखने को मिलेगा? तो मोस्टली आपको क्या देखने को मिलेगा, एटमॉस्फेयर में ही देखने को मिलेगा, जो बाद में क्या करते हैं, पौधे अपने खाने बनाने के लिए यूज़ में ले लेते हैं, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस किन क्रियाओं से निकलती है? तो यहाँ पर बोला गया है कार्बन डाइऑक्साइड क्या क्या कार्य करते हैं जिसके वजह से निकलती है। तो हम जो श्वसन करते हैं उससे निकलती है, जो हम लोग गाड़ी मोटर चलाते हैं उससे निकलती है, कोयला जलाएंगे, लकड़ी जलाएंगे, उससे भी जो धुआं निकलता है वो भी क्या रहता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। पौधे में कार्बनिक खाद्य पदार्थ किस प्रक्रिया के फलस्वरूप बनता है? तो हमको पता है कि फोटोसिंथेसिस, सूर्य संश्लेषण से क्या होता है आपका कार्बनिक पदार्थ आपका बनता है ना। पौधे से जंतुओं के शरीर में यह खाद्य पदार्थ कैसे पहुंचता है? तो पौधे बनाते हैं, है ना, कार्बनिक आपका क्या बोलते हैं, खाद्य पदार्थ बनाते हैं जिसका हम सेवन करते हैं, और उसी सेवन करने की वजह से जो आपका कार्बनिक यौगिक है, वो सॉरी खाद्य पदार्थ है, वो हमारे शरीर में पहुँच जाता है, ठीक है, चाहे हम खाएँ या तो फिर जानवर खाएँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ना, यहाँ पर आपको कार्बन चक्र दे दिया हुआ है। तो सबसे शुरू देखते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, देखिए ये धुआं है ना, धुआं से क्या निकल रहा है आपका कार्बन डाइऑक्साइड, ये आपका व्हीकल्स है, यहाँ पर मान के चलिए आप लकड़ी जला रहे हैं उससे निकल रहा है, ये धुआं है आपका, ये भी कार्बन डाइऑक्साइड निकाल रहा है, ठीक है। यहाँ पर अपघटित पदार्थों में कार्बन, जब वो क्या कर रहे हैं, जब आपके अपघटक क्या कर रहे हैं, आपके क्या बोलते हैं, मरे हुए हैं या फिर सड़ रहे हैं कुछ चीज़ें, उससे भी क्या निकलता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है। यहाँ पर गाय है ना, गाय हो गया, पौधे हो गए, उससे भी क्या निकल रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहे हैं, है ना, श्वसन कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं फिर क्या हो रहा है, जीवाश्म ईंधन के दहन से वायुमंडल में जाने वाली कार्बन, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जीवाश्म फॉसिल आपका क्या हो रहा है, जल रहा है, जिसके वजह से क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में जा रहा है, यहाँ पर श्वसन कर रहे हैं उससे जा रहा है, फिर वो क्या हो रहा है आपका पेड़ उसको क्या करते हैं, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, लेते हैं सूर्य संश्लेषण से, उसी को क्या करते हैं आपका कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। तो पौधों में संचित कार्बन, तो फिर से यहाँ पर आ जा रहा है, फिर प्रकाश संश्लेषण द्वारा कार्बोहाइड्रेट उत्पादन में कार्बन का उपयोग, अब उसमें क्या हो रहा है, कार्बन का उपयोग हो जा रहा है। फिर ये क्या हो रहा है, मिट्टी में संचित कार्बन, यहाँ पर भी क्या हो रहा है आपका मिट्टी में भी कार्बन पाया जाता है, अपघटित होने वाले पौधे द्वारा उत्पादित कार्बन, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, उसी को क्या हो रहे हैं, अपघटित कर रहे हैं, जीवाश्म ईंधन के जलने से निकलने वाली कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, तो यहाँ पर भी उसको जला रहे हैं, जलाने से भी क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड आपका जा रहा है। तो बहुत अलग अलग जगह से क्या हो रहा है आपका कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है, और वो सारे कार्बन डाइऑक्साइड निकल के क्या हो रहे हैं आपके एटमॉस्फेयर में, वायुमंडल में जा रहे हैं, फिर वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो रहा है, जा रहा है, उसमें कार्बन को क्या कर रहे हैं, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर रहे हैं, पौधे ले रहे हैं, सूर्य संश्लेषण कर रहे हैं, फिर से क्या बना रहे हैं, उसको कार्बोहाइड्रेट बना रहे हैं, फिर से हम लोग लेंगे, फिर ये क्या हो रहा है, ये जो चक्र है ना, जैसे कि साइकिल का जो चक्का है वो चलता रहता है, गोल गोल घूमता ही रहता है, वैसे ही ये जो कार्बन चक्र है वो चलता ही रहता है, ठीक है। आई होप कि आपको कार्बन चक्र यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि कैसे वो आपका क्या हो रहा है, वायुमंडल से पौधे, पौधे से फिर जमीन, फिर क्या बोलते हैं जीवाश्म, इसमें ऐसे करते करते गोल गोल घूम रहे हैं, ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं चक्र, और ये किसका है, कार्बन का है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, कार्बन चक्र बोला जाता है, क्लियर। इन
पदार्थों का कुछ भाग कोयला, चूना, पत्थर आदि के निर्माण में व्यय हो जाता है ना, तो जो कार्बन रहता है, अब हम कुछ कुछ बनाते हैं कार्बन से, जैसे कि क्या हो जाता है आपका कोयला, चूना, पत्थर बना रहे हो, उसमें क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाता है। किंतु इन सभी कार्बनिक पदार्थों के दहन से कार्बन डाइऑक्साइड पुनः वायुमंडल में चली जाती है। हम क्या कर रहे हैं, कार्बन से ये सारी चीज़ें तो बना रहे हैं, फिर उसको जला रहे हैं, फिर जलाने के बाद क्या हो जा रहा है, वो वायुमंडल में वापस चले जाता है। पौधे और जंतुओं की श्वसन क्रिया द्वारा भी कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में चली जाती है ना, जैसे हम लोग भी श्वसन कर रहे हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं, जिससे फिर वो क्या हो जा रहा है, वायुमंडल में चले जा रहा है। ठीक है, तो वो क्या हो रहा है आपका, गोल गोल घूमते जा रहा है, उसी को हम क्या बोलते हैं, कार्बन चक्र। ठीक है, आई होप कि आपको चक्र अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हमारा लास्ट टॉपिक है क्या, पारिस्थितिक तंत्र में मनुष्य का हस्तक्षेप, कि हम क्या कर रहे हैं, जो आपका पारिस्थितिक तंत्र है उसमें हम कैसे भाग लेते हैं और उसको डिस्टर्ब कर देते हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो किसी भी पारिस्थितिक तंत्र पर मनुष्य कई तरह से प्रभाव डालता है। ठीक है ना, हमको पता है कि बहुत ही ज़्यादा क्या करता है, प्रभाव डालता है। जैसे कि मान के चलिए, जैसे कि धान का ही हम खेती कर रहे हैं, तो उसमें बहुत सारा क्या हो जाता है, कीट आ जाते हैं, तो उसको हटाने के लिए हम क्या करते हैं, कीटनाशक यूज़ करते हैं, कवकनाशक यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये सारे जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो क्या होते हैं, कुछ बहुत ही जल्दी से घट जाते हैं, अपघटन हो जाते हैं, कुछ बहुत देर तक के रहते हैं, है ना। तो उसके वजह से क्या हो रहा है, पौधे क्या बोलते हैं, जो मिट्टी है वो ख़राब हो जा रही है, वो अगर हम पानी डाल रहे हैं तो पानी भी वो क्या हो जा रहा है, नदियों में जाके पानी को भी ख़राब कर दे रहा है, क्योंकि वो सारी चीज़ें क्या है, हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होते हैं, नुकसान पहुँचाते हैं हमको, है ना। और मान के चलिए वही कीटनाशक को अगर कोई जानवर खा रहा है तो उसमें भी रोग उत्पन्न होता है, वही चीज़ें अगर हम ज़्यादा मात्रा में ले लेते हैं तो वो हमारे लिए भी क्या हो जा रहा है, हानिकारक हो जा रहा है। तो इस तरह से हम क्या कर रहे हैं, हमारे हस्तक्षेप से क्या हो रहा है, हम जो करते हैं, जैसे कि गोली वगैरह भी डाल रहे हैं या फिर कीटनाशक डाल रहे हैं, तो उससे भी हम क्या कर रहे हैं, हस्तक्षेप से आपका पारिस्थितिक तंत्र क्या हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक है, कार्बन के चक्रीकरण को ही देखें तो जीवाश्म ईंधनों के अत्यधिक उपयोग से पर्यावरण में कार्बन के ऑक्साइडों की मात्रा बढ़ने लगी है। जैसे कि हम क्या देख रहे थे, अभी कार्बन डाइऑक्साइड देख रहे थे, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, बहुत सारा हम मोटरसाइकिल चला रहे हैं जिसमें बहुत सारा कार्बन डाइऑक्साइड हो रहा है, बहुत सारा क्या कर रहे हैं, लकड़ी जला रहे हैं, कोयला जला रहे हैं, जिससे बहुत सारा कार्बन क्या हो रहा है, उत्पन्न हो रहा है ना, ऑक्साइड उसका बहुत निकल रहा है, जिसमें वायुमंडल में बहुत ज़्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड आ जा रहा है। साथ ही हवा में कार्बन के कणों की मात्रा भी अधिक हो रही है, और उसी चक्कर में क्या हो रहा है, हवा में क्या हो जा रहा है, आपके कार्बन के जो कण है वो भी बहुत अत्यधिक मात्रा में आ जा रहे हैं। ठीक है, इसको भी आपको क्या करना है, सोचना है, चर्चा करना है और नोट करना है, कि इन अजैविक घटकों पर मनुष्य का प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है ना। मतलब कि क्या है आपका, किस अजैविक घटकों पे, जैसे कि वर्षा, वर्षा आजकल बहुत कम हो रही है, क्यों, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, जंगलों को काट रहे हैं, जंगलों को काटने की वजह से क्या हो रहा है, आपका जो वर्षा है वो कम हो रहा है, तो अजैविक में आप देख सकते हैं वर्षा। किन जैविक घटकों को मनुष्य ने प्रभावित किया है, ठीक है, आप धान का ही ले सकते हैं, जैसे हमने देखा था उसमें कीड़े वीड़े क्या बोलते हैं, कीटनाशक वगैरह डाल रहे हैं, अगर वो जो केमिकल्स है अगर हम लोग ले रहे हैं तो हमारे लिए भी वो क्या हो जाएगा, हानिकारक हो जा रहा है। ठीक है, और क्या बोलते हैं, जो छोटे छोटे जीव हैं वो भी खाएंगे तो उनके लिए भी वो क्या है, हानिकारक है, तो वो जैविक घटकों को भी क्या कर रहे हैं, प्रभावित कर रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं, धान के खेत के खाद्य जाल का उदाहरण ले तो मनुष्य अपने फायदे के लिए दूसरे पोषक स्तर के कई जीवों को ख़त्म कर देते हैं, है ना। जैसे कि अगर हमको धान ही खाना है, उस पे कौन डिपेंड कर रहा था, खरगोश, स्क्वायरल, ये सारे डिपेंड कर रहे थे, लेकिन हम अपने मतलब के लिए क्या कर रहे थे, धान को काट दे रहे थे, और जो पारिस्थितिक तंत्र है वो भी क्या हो जा रहा था, कम होते जा रहा था, उसको भी कि हम क्या कर रहे थे, नुकसान पहुंचा रहे थे। ऐसा करने पर उस पारिस्थितिक तंत्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या हो जाएगा, वो डिस्टर्ब हो जाएगा, है ना, पूरा क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। यदि धान के खेत की खाद्य श्रृंखला में किसी नई प्रजाति का जीव शामिल हो जाए तो क्या होगा, ठीक है, अगर दूसरा जीव भी शामिल हो जा रहा है तो उसमें कुछ ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक, वो जैसे था वैसा ही रहेगा। कीटनाशी दवाओं के प्रयोग से यदि हर धान के पौधे में 0.01 मिलीग्राम आर्सेनिक जमा हो जाता है तो 30 धान के पौधे में कितने मिलीग्राम आर्सेनिक जमा होंगे, ठीक है, अगर वो क्या बोल रहा है, एक पौधे में कितना हो रहा है आपका 0.1, तो 30 में कितना हो जाएगा, 0.3 मिलीग्राम आर्सेनिक आपका जमा हो जाएगा। अगर हर दिन आप लगभग 30 पौधे से प्रति
प्राप्त दोनों दानों को खाते हैं, सोचिए कितना आर्सेनिक आपके शरीर में पहुंच जाता है। ठीक है, उसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 0.3 से, तो क्या हो जाएगा, उतना आर्सेनिक हमारे पेट में जाएगा जो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा क्या होगा, हानिकारक होगा। ठीक है, ऐसे कुछ रसायन जब लंबे समय तक मिट्टी में पड़े रह जाते हैं तब मिट्टी के भौतिक एवं रासायनिक गुणों में परिवर्तन आ सकता है। जैसे कि मैंने बताया था कि बहुत सारे क्या करते हैं, केमिकल्स उन लोग यूज़ करते हैं जो अगर बहुत टाइम तक के क्या रहेंगे, मिट्टी में भी पड़े रहेंगे तो उसका भौतिक और रासायनिक दोनों को ही क्या कर देंगे, ख़राब कर देंगे, और फसल उत्पादन कम हो सकता है। अगर उसका मिट्टी ही सही नहीं है तो फिर फसल कैसे अच्छे से उगेगा। ऐसी मिट्टी को फिर से उपजाऊ बनाना बहुत कठिन होता है, और ऐसे मिट्टी को फिर से क्या करना, उपजाऊ बनाना बहुत ही ज़्यादा कठिन हो जाता है। अतः पर्यावरण को हानि पहुंचाने वाले कृत्रिम तरीकों एवं रसायनों का उपयोग विशेषज्ञों की सलाह से, ठीक है, कम से कम किया जाना चाहिए ताकि हमारा पर्यावरण और हम सुरक्षित रह सके। तो ऐसे जो हमारे वजह से क्या हो रहे हैं, चीज़ें गड़बड़ हो रही है, उनको क्या करना चाहिए, हमें विशेषज्ञों की मदद लेनी चाहिए जिससे हम कम से कम क्या कर सके, रसायन को यूज़ करें और हम क्या कर सके, अपना पर्यावरण और हमें खुद को सुरक्षित रख सके। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा चैप्टर ये होता है ख़त्म। आई होप कि आपको इस चैप्टर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो इस चैप्टर में हमने क्या क्या सीखा है उसका एक देखते हैं। तो पहला पॉइंट क्या है आपका, किसी पर्यावरण के सभी जीव जंतु एक दूसरे पर और निर्जीव घटकों पर निर्भर रहते हैं। तो हमको पता है जो भी पर्यावरण में रहता है वो जैविक हो या अजैविक दोनों पर एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। ठीक है, पारिस्थितिक तंत्र वातावरण के सभी जैविक और अजैविक घटकों के पूर्ण समन्वय से बनी व्यवस्था या तंत्र है ना, जो पारिस्थितिक तंत्र हम जो पढ़ रहे हैं, या तो फिर वो क्या रहेगी आपकी, जैविक रहेगी और अजैविक दोनों को मिलाकर वो क्या होता है, एक व्यवस्थित तंत्र बनता है जिसको हम क्या बोलते हैं, पारिस्थितिक तंत्र। लगभग सभी पौधे सौर ऊर्जा को प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपने तथा कई अन्य जीवों के लिए खाद्य अर्थात रासायनिक ऊर्जा के रूप में परिवर्तित करते हैं, अतः ये उत्पादक है। तो हमको पता है कि जो पौधे हैं वो क्या उत्पादक है, वही हम क्या करते हैं, हमको खाना देते हैं, सूर्य संश्लेषण करते हैं और क्या करेंगे वो आप क्या कार्बनिक पदार्थ बनाते हैं जिसको हम ग्रहण करते हैं। ठीक है, तो वो सिर्फ हमारे लिए नहीं अन्य जीवन को भी क्या देते हैं, खाना देते हैं। किसी पौधे में प्रकाश संश्लेषण द्वारा कार्बनिक यौगिकों का बनना एवं उनका संग्रह उस पौधे का प्राथमिक उत्पादन है। ठीक है, तो जो क्या करते हैं, वो लोग कार्बनिक यौगिक बनाते हैं, वही उनका पहला क्या है, प्राथमिक उत्पादन है। ठीक है, जो पौधे से हमें मिलता है। एक खाद्य श्रृंखला में उत्पादक को छोड़कर सभी जीव उपभोक्ते हैं। तो जहाँ पर हमको जो पेड़ रहता है, जो जिसका आधार हम जहाँ पर हम आधार पर रखते हैं, वही क्या रहेगा, उत्पादक रहेगा। पहला स्तर ही क्या रहेगा आपका, उत्पादक रहेगा। बाकी जो तीन रहते हैं आपके स्तर, वो क्या रहेंगे, आपके उपभोक्ता रहेंगे। ठीक है, आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, किसी पारिस्थितिक तंत्र में जीव भार, जीव संख्या तथा ऊर्जा संबंधित आंकड़ों को पारिस्थितिक पिरामिडों के द्वारा दर्शाया जाता है ना। हमको और अच्छे से समझने के लिए हम क्या करते हैं, पिरामिड का इस्तेमाल करते हैं जिसमें हम संख्या, उसका जीव भार और ऊर्जा को दर्शा सकते हैं। ठीक है, किसी पारिस्थितिक तंत्र के उत्पादकों का कुल प्राथमिक उत्पादन ही सम्मिलित जीव भार होता है। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, जो उनका उत्पादक जितनी संख्या में रहते हैं उसी का भार, उसको हम क्या कहते हैं, जीव भार कहते हैं। किसी पारिस्थितिक तंत्र में पौधे प्राप्त होने वाली सौर ऊर्जा का लगभग 1% भाग प्रकाश संश्लेषण द्वारा खाद्य ऊर्जा के रूप में परिवर्तित करते हैं। ठीक है, तो जितने भी वो करते हैं वो कितना संश्लेषण करते हैं, सिर्फ 1% क्या करेंगे, ऊर्जा खाद्य ऊर्जा के रूप में परिवर्तित करते हैं। पौधे को खाने वाले प्राथमिक उपभोक्ताओं में खाए हुए भोजन का लगभग 10% ही जीव भार में बदलता है ना, और वो क्या रहेगा आपका, 1% आपका परिवर्तित होने में लगता है ऊर्जा को, और 10% ही वो क्या रहता है, जीव भार में, जो प्राथमिक उपभोक्ता रहता है उसमें जीव भार में कन्वर्ट होता है, बदलता है। जीवधारियों के शरीर निर्माण में काम आने वाले तत्वों का प्राकृतिक में चक्रीकरण होता रहता है ना, जैसे कि कार्बन हो गया, वो हमको बार बार यूज़ होता रहता है, तो वो उसका क्या हो रहा है, काम में आने वाली, जैसे कि हमारे शरीर के लिए कार्बन बहुत ही ज़्यादा क्या है, ज़रूरी है ना, तो वो क्या हो रहा है, चक्रीकरण हो कि क्या हो रहा है, इधर घूमता है। ठीक है, आई होप कि आपको इतना भी क्लियर है।
तो यहाँ पर हमने सीखा समाप्त होता है। चलिए कुछ अभ्यास करते हैं जिससे आपको ये चैप्टर और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो सही पहला क्या आपका सही विकल्प चुनकर लिखना है। तो आम के एक पेड़ पर लगभग 2234 कीड़े, 56 पक्षी और 3 सांप रहते हैं, तो ऊर्जा का पिरामिड होगा। ठीक है, तो ऊर्जा का पिरामिड क्या होगा, सीधा, उल्टा, आयताकार, निश्चित नहीं होगा। तो हमको पता है कि आपका क्या रहता है, जो ऊर्जा का जो पिरामिड है वो हमेशा क्या रहता है, सीधा रहता है, क्योंकि ऊर्जा क्या रहेगा, पहले स्तर से दूसरे स्तर पे जाता है, तो वो हमेशा कैसा रहेगा, सीधा ही रहेगा। दूसरा क्या है, खुले नम स्थान पर रखे ब्रेड के एक टुकड़े पर फफूंद लग गई, कुछ दिनों में उस पर कुछ कीड़े, मक्खियाँ आदि दिखाई देने लगे, इस खाद्य श्रृंखला में आखिरी पोषक स्तर पर है। ठीक है, तो यहाँ पर पहले ब्रेड है, ब्रेड में फिर क्या है आपका, कीड़ा है, फिर कीड़े के बाद क्या है आपका, मक्खी है ना। तो आपका बोला गया है कि लास्ट में कौन सा है, तो खाद्य पदार्थ, ब्रेड, मक्खियाँ या इनमें कोई नहीं, तो लास्ट में क्या है, देखिए मक्खियाँ है, तो लास्ट स्तर पे इसका सही उत्तर क्या रहेगा, मक्खियाँ रहेगा। ठीक है, आई होप कि आपको ये दोनों अच्छे से समझ में आ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक कीड़े के जीवन चक्र में 4 अवस्थाएँ हैं। ठीक है, क्या क्या है आपका, अंडा, लार्वा, प्यूपा व वयस्क। यदि उसकी अंडा, लार्वा व प्यूपा अवस्था किसी अन्य जीव के शरीर के अंदर पूरी होती है तो उसका जीव चक्र कितने पारिस्थितिक तंत्रों में पूरा होगा। तो यहाँ पर 4 उसका दिया हुआ है, अंडा, लार्वा, प्यूपा, है ना, वो किस में है, अन्य जीवक में है, फिर बाद में वयस्क में है, तो देख सकते हैं कि 2 है ना। तो यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा, 2, क्योंकि पहला तो आपका जो अंडा, लार्वा, प्यूपा है वो किसी और के अंदर शरीर में रहेगा, तो एक जीवन चक्र हो गया, उसके बाद क्या वयस्क का रहेगा दूसरा, तो यहाँ पर सही उत्तर क्या रहेगा, 2। क्या होगा यदि किसी बड़े इलाके से सारी कीट भक्षी चिड़िया समाप्त कर दी जाए, अगर हम क्या कर रहे हैं, कीट भक्षी चिड़िया को ही हटा देंगे तो क्या होगा, फसल उत्पादक बढ़ जाएगा, कीटों का प्रकोप बढ़ जाएगा, ठीक है, दूसरे पक्षियों की संख्या बढ़ जाएगी, कोई असर नहीं होगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो फसल उत्पादक नहीं बढ़ेंगे क्योंकि कीट भक्षी चिड़ियाँ हैं, बल्कि जो कीटों का प्रकोप है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि उसको खाने वाले क्या है, कोई कीट पक्षी होगा ही नहीं, तो वो क्या होंगे, ज़्यादा से जनसंख्या में बढ़ते जाएंगे, तो उसका सही उत्तर क्या है, कीटों का प्रकोप बढ़ जाएगा। ठीक है, आई होप कि आपको ये क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, एक गाय घास खाती है, उसका गोबर और उसे बने कड़े ईंधन के रूप में काम आते हैं, इस प्रक्रिया में बना धुआं वायुमंडल में और अवशेष राख आदि मिट्टी में मिला दिए जाते हैं, यह संपूर्ण प्रक्रिया है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, एक गाय घास खा रही है, फिर वो गोबर करती है, गोबर से हम गोबर गैस बना सकते हैं, फिर उसको हम डालेंगे तो फिर वो वायुमंडल में चले जाएगा, फिर वो क्या हो रहा है, क्या बोलते हैं, वायुमंडल से फिर से पेड़ को अगर हम यूज़ करें तो फिर से मिट्टी में, तो ये क्या हो रहा है आपका, देखिए खाद्य श्रृंखला तो नहीं है, खाद्य जाल भी नहीं है, जीवन चक्र भी नहीं है, तो क्या बचा आपका, पदार्थों का चक्र है ना, वो क्या हो रहा है, जो पदार्थ है वो वापस से गोल गोल घूम रहे हैं, तो सही उत्तर क्या होगा आपका, पदार्थों का चक्र। एक तालाब के पारिस्थितिक तंत्र की खाद्य श्रृंखला का विस्तार जलीय पौधा, छोटी बड़ी मछलियाँ से लेकर मनुष्य तक है, यहाँ एक पोषक स्तर से अगले पोषक स्तर को प्राप्त होने वाली ऊर्जा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, जितने भी आपका एक तालाब है उसमें पारिस्थितिक तंत्र है, जिसमें खाद्य श्रृंखला है, जिसमें जलीय पौधे हैं, फिर छोटी बड़ी मछलियाँ हैं, फिर मनुष्य तक की वो क्या हो रहा है, जा रहा है, तो उसका जो ऊर्जा है, ठीक है, वो कम होती जाएगी, अधिक होती जाएगी, समान बनी रहेगी, कभी कम कभी अधिक होती रहेगी, तो हमें पता है कि जो ऊर्जा रहता है वो हमेशा एक से दूसरे स्तर में जाता है, तो कम होते जाता है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा, कम होती जाएगी। आई होप कि आपको ये दोनों क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। किसी बगीचे के जीवों की गणना में 5568 घास के पौधे, 453 झाड़ियाँ, 23 पेड़ व 7769 जंतुएँ पाए गए। ठीक है, इस बगीचे का कुल प्राथमिक उत्पादन होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, घास के पौधे दे दिए हैं, झाड़ियाँ दे दिए हैं, आपका
पेड़ दे दिया है आपका, जंतु भी पाए गए हैं, तो उसका प्राथमिक उत्पादन कितना होगा? बगीचे के समस्त जीवों का सम्मिलित जीव भार, बगीचे के समस्त जीवों का, या फिर बगीचे के समस्त वनस्पतियों का सम्मिलित जीव भार, या बगीचे के समस्त जंतुओं का सम्मिलित जीव भार, या केवल घास के पौधे का सम्मिलित जीव भार, जिसमें हम वहाँ पर दे दिया हुआ आपका घास है, झाड़ियाँ हैं, तो उसका सही उत्तर क्या होगा? बगीचे की समस्त वनस्पतियाँ का सम्मिलित जीव भार, ठीक है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बगीचे की समस्त वनस्पतियों का सम्मिलित जीव भार, ठीक है? तो यहाँ पर ये जो चैप्टर है समाप्त होता है। आई होप कि आपको इसमें कोई भी डाउट नहीं है, ठीक है? अब हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। धन्यवाद।